हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मैं हूं आकाश कुमार। यूपी पुलिस के एग्जाम में हिंदी का महत्व देखते हुए आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो है संधि। दोस्तों, यहां पर जो मैंने पहले ही लिख रखा है वो इसका मतलब ये है कि आपके समय की बचत कराने के लिए। दोस्तों, यहां पर मैं अगर साथ साथ आपको लिख पाऊंगा तो उसमें आपका टाइम की खपत ज़्यादा होगी। इसलिए आप जो पूरा चैप्टर है जो आप मैं यहाँ पर लिख कर आपको साथ साथ कराऊंगा, जो लगभग 45 से 40 मिनट में होगा, वो यहाँ पर 10 से 15 मिनट में खत्म होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर है अपना वो रहने वाला है संधि, और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, मेल, इसको संयोग या समझौता भी बोल सकते हैं। और इसकी जो परिभाषा, जैसे जो है दो वर्णों का मेल, जो यहाँ पर है दो वर्णों का मेल, इसका जो परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे परिभाषा पहली बात तो पूछी ही नहीं जाएगी। ठीक है, परिभाषा से आपका कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर सिर्फ बता दिया गया है कि दो वर्णों का मेल है या फिर समझौता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ संधि, यानी कि संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियां होती हैं। और बेसिकली आज हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ स्वर संधियों के बारे में। ठीक है, स्वर संधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और जो आगे का चैप्टर रहेगा वो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का रहेगा। ठीक है, स्वर संधि आप आज आपकी इन स्वर संधियों का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार की संधियां आती हैं। एक आती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की संधि आती है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। ये आपकी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपकी दीर्घ संधि की जो परिभाषा है, बहुत ही सिंपल वे में आपको याद रखना है। दीर्घ संधि में आपको आ, ई, उ, ठीक है, जो आ है यह चाहे छोटा हो या बड़ा, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आ, ई, उ, ये आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। इसमें आ, ई, उ यहां से टूटती है। ठीक है, यहां पर कुछ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे छोटा प्लस आ तो ये आ बनेगा, ये आ बनेगा, सॉरी ये ई बनेगा और ये उ बनेगा। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जाम्पल। राम प्लस अयन तो रामायण, ये आपका रामायण हो गया। ठीक है, और विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है, आगे इस प्रकार से यहां पर सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, सूर्यास्त होगा। कपि प्लस ईश, कपीश। उप प्लस आसना, उपासना। हरि प्लस ईश, हरीश। इसी प्रकार से आती है अपनी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जो आ छोटा या बड़ा वाला। ठीक है, आ और आ के बाद ई है, उ है, ऋण है। अब ई में आपके किस प्रकार की आएगी, छोटी बड़ी, उ में छोटा उ, बड़ा उ और ऋण। ठीक है, आ के बाद आपको याद रखना है कि आ के बाद आपका ई छोटा या बड़ा, उ छोटा या बड़ा और ऋण, इस प्रकार के शब्द आएंगे। जो टूटने वाले शब्द हैं, यहां से देखिए, ये रा है सुर, तो जो रा के साथ में कहीं ना कहीं आ जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे ई आ गया, ई, उ आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए उ आ गया, इसी प्रकार से ऋण भी आएगा। जहां महारिषि होगा वहां ऋण भी आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहां लिखने का मतलब, इतना बड़ा वर्ड है नहीं, महारिषि आएगा तो वहां पर आपका उ भी आएगा। इसी प्रकार से आ के बाद ही ये वाले शब्द आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ आपके एक दूसरे के बाद ही आएंगे, लेकिन आ के साथ आ, ई के साथ ई और उ के साथ उ दीर्घ संधि में आएगा। गुण संधि में, गुण संधि में आ के बाद ही आएंगे ई, उ और ऋण। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, सर्व प्लस उदय, सर्वोदय, सॉरी यहां से शुरू करते हैं, सुर प्लस ई, सुरेश। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। सर्व उदय, सर्वोदय। महा प्लस उदय, महोदय। ठीक है, अब आती है अपनी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जो अपना आ छोटा या बड़ा, ठीक है, कोई भी मतलब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद आपका क्या आएगा, ए, ए, ओ, औ। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आ के बाद ये 4 याद रखने हैं, आ के बाद ये वाले वर्ड याद रखने हैं। आप ए और ओ एक ही याद कर सकते हैं, आप
वैसे याद रखने के लिए चार अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको सिर्फ करना क्या है, ए और ओ याद रखना है, इधर ई उ और ऋण याद रखना, ई दोनों प्रकार की और ऋण, तो ऋण तो एक ही होता है अपना, उ दोनों प्रकार का उ, ठीक है। तो वृद्धि संधि में आ के बाद ए ए ओ औ जी आते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो सदा प्लस एब सदैव, ठीक है, सदा प्लस एब सदैव, तथा प्लस एब तथैव, वन प्लस औषधि वन औषधि, परम प्लस ओज परमोज, ठीक है। जो जोड़ होता है आपको सार्थक, ठीक है, तथा प्लस एब, ये इनका मतलब है अपना, तथा अलग होता है, एब अलग होता है, परम ओज, ये इस तरीके से शब्द होते हैं। ये देख सकते हैं टूटेगा तो आ प्लस ए, देखो आ ये हो गया, आ के बाद आपका यहां हो गया, आ के बाद ए हो गया, ए ये आ गया, तो यहां जो टूटेगा तो वो आ प्लस ए, ए की जगह ओ ए, यहां पर आ के बाद ही ये वाले शब्द आएंगे, आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आती है आपकी यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई उ और ऋण। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ई उ ऋण, ई आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऋण ऋण तो एक है ही, ठीक है। इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा वो आपका यण संधि में होगा। आपको देखना कहा है, देखना कहा है कि जो पेपर में दिया होगा तो हो सकता है वो इस तरीके से दे दें, उदाहरण के तौर पे अति प्लस अंत, तो आपको पता होना चाहिए कि आप तुरंत, मतलब जो आपने नोट्स बनाएंगे इसके, तो नोट्स में तुरंत पहुंच जाएंगे कि हाँ ई पहले आ रहा है उसके बाद आ रहा है, तो जो आपका ई पहले आएगा टूट के और आ बाद में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ई के ऊ के और ऋण के बाद जो भी अन्य प्रकार का स्वर आता है वो आपका यण संधि में आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, नी प्लस ऊन न्यून, बी प्लस उह बिहु, इति प्लस आदि इत्यादि, अधि प्लस आय अध्याय, ठीक है। अब आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए ए ओ औ, ठीक है, यहां पर ए ए ओ औ के बाद जो बाकी बचे भिन्न स्वर हैं वो आते हैं, तो वहां पर आपकी अयादि संधि होती है। देखते हैं, ने प्लस एन नयन, गे प्लस उक गायक, यहां पर गायक, ठीक है, गे प्लस अक गायक, पो प्लस अन पावन, पो प्लस इत्र पवित्र, रो प्लस ईस रवीश, भो प्लस उक भावुक। यहां पर ये आपके कुछ इंपोर्टेंट, मैंने प्रीवियस ईयर के आए हुए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर छाट के लिखे हैं। बहुत सारे हैं प्रीवियस ईयर के, कहने को तो इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे इंपोर्टेंट लगे, जो सुगम लगे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बाकी आपको क्या करना है, इनकी जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट से मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी है, PYQ जरूर लगाना है, और बुक्स में जरूर से जरूर देखना है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बहुत छोटा, दो मिनट में आपको बता देते हैं, हमने पढ़ा संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, इसकी परिभाषा होती है दो शब्दों का मेल या समझौता या संयोग, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है, दो स्वरों का मेल जो यहाँ पर, तो और व्यंजन संधि में व्यंजन, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम दीर्घ संधि की बात करते हैं, दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटा आ बड़ा आ इन दोनों का योग होगा, या फिर छोटी ई बड़ी ई इन दोनों का योग होगा, छोटा उ बड़ा उ या इन दोनों का योग होगा, तो वो आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, छोटी ई बड़ा उ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके लिए मैंने या इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, कपि प्लस ईस, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, आपका आ के बाद ई उ ऋण, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ और ऋण, इस प्रकार के जहां से संधि टूटेगी आ के बाद वो वाले शब्द आएंगे, ये आपको याद रखनी है।
उसके बाद आपकी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, आ के बाद आपका, आ के बाद आएगा आपका ए ए ओ औ, ठीक है, याद रखेंगे। आ जहां से टूटेगा टंडी, जो संधि टूटेगी आ के बाद ए औ, ये वाले शब्द आएंगे, ठीक है, वृद्धि संधि में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद आपकी आती है यण संधि। यण संधि में आएगा, यण संधि में आपका आता है ई, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण। इनके बाद आपके कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो आपका यण संधि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आता है अयादि संधि। अयादि संधि में आपका क्या आएगा, ए ए ओ औ, ठीक है, ये इनके बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो आपका अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।